हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 की बात करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका LHS पार्ट है और ये आपका RHS पार्ट है। इस LHS पार्ट को सोल्व करके आपको ये RHS पार्ट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, LHS पार्ट जो आपका है वो क्या है, cos 4x a। ओके, अब इसे आप स्प्लिट करेंगे तो आप लिख दीजिए cos 2 इंटू 2x। क्या लिख दीजिए, cos 2 इंटू 2x। क्यों लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए। ओके, तो इसे इसे लिख दिया। अब मैंने देखा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। x क्या है, वो आपका 2 है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला को पुटअप कर दिया मैंने। cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। x जो है वो क्या है, 2x है। वापिस मैंने देखा ये 2, वापिस देखूंगा cos स्क्वायर 2 है, cos 2x का वापिस फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x। x अब यहाँ पे x ही रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पर मैंने देखा होल स्क्वायर है माइनस 1। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं देखूंगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आप देखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab पुट कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज देन माइनस 1। इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर 2 सेम एज इट इज, देन ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 2 का स्क्वायर cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर x देन माइनस 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 4 जा 8 cos की पावर 4x, 2 1 जा 2 माइनस 2 4 जा 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप यहां पर देखेंगे 2 में से 1 का 1 पॉजिटिव 1 प्लस 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x। आपने इस तरीके से इसे लिख दिया। देन फाइनली आप देखेंगे 1 इन दोनों में से आप देखेंगे प्लस 8 cos स्क्वायर x कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो इस तरीके से आपने यहां पर कर दिया सॉल्व। अब आप देखिएगा आपको जो आंसर लाना है 8 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लाना है। तो आप देखेंगे 8 cos स्क्वायर, आप देखिए cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, देखिए sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है माइनस sin स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ प्लस की जगह माइनस 8, ये cos स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है माइनस sin स्क्वायर x। तो ये माइनस का इधर लिख दिया और sin स्क्वायर x इधर, तो इस तरीके से 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज कंप्लीटेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखा हुआ है, cos 6x को मेरे को 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 फाइंड प्रूव करके बताना है। तो मैंने यहाँ पर देखा LHS जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर cos 6x मेरा ये LHS पार्ट है। अब इसे यदि मेरे को स्प्लिट करना है तो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे और किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करेंगे वो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा cos 6x को यदि लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos 3 इंटू 2x। क्यों लिखा, क्योंकि cos 3 थीटा का मैं फॉर्मूला यहां पर लगा सकता हूं। अब यहां पर मैंने लगाया cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, थीटा कितना है 2 है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट अप कर दी वैल्यू। अब देखिएगा आगे सॉल्व जब करूंगा तो मैंने देखूंगा यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 4, वापस से cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये पूरा क्या होल क्यूब माइनस, फिर आप देखेंगे 3, वापस यहाँ पे भी cos 2x का फॉर्मूला, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे पुटअप करा, अब मैं देखूंगा यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करूंगा a माइनस b होल क्यूब की, तो ये होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 3 a स्क्वायर b प्लस 3a मतलब 2 cos स्क्वायर x, 3a b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पुट कर दिया, देन फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस मैंने देखा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, 3 1 जा 3 माइनस 1 से यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरीके से मेरे को सिस्टमेटिक सॉल्व करना होगा। ओके, अब यहाँ बस आगे देखते जाइएगा किस तरीके से होगा, 4 फिर यहाँ पे मैंने देखा 2 का क्यूब 8, तो ये 8 लिख दिया, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 या 6 मतलब cos की पावर 6x
माइनस वन का क्यूब वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व, टू टू या फोर, मतलब ट्वेल्व कॉस की पावर फोर एक्स भी लिख दिया। प्लस मैंने देखा थ्री टू या सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ये भी मैंने लिख दिया है। ओके, फिर मैं देखूंगा फोर एट जा थर्टी टू कॉस की पावर सिक्स एक्स, फोर वन जा फोर, फिर मैं देखा ट्वेल्व फोर जा यहां पर कितना होगा, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स, फिर मैंने देखा देखिए फोर एट जा थर्टी टू, फोर ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, और फोर वन जा फोर बाद में लिख देते हैं, भाई फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर कॉस की पावर स्क्वायर एक्स, ये भी हो चुका आपका फोर से ट्वेंटी फोर के हिसाब से, फिर माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री भी लिख दिया। अब आप देखिएगा सबसे पहले पावर सिक्स वाला थर्टी टू की कॉस की पावर सिक्स एक्स, फिर माइनस फोर्टी एट की पावर फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स, फिर आप देखिए स्क्वायर में ट्वेंटी फोर में सिक्स गया तो एटीन प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आप देखिए फोर में थ्री का वन न्यूमेरिकल वैल्यू, जब बढ़ेगा कि माइनस है तो माइनस वन, तो इस तरीके से आपका ये फाइनली आंसर आएगा। ओके, तो यहां पर अपना क्वेश्चन 24 और 25 क्या होता है, कंप्लीट। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन आस्क मी, ओके, और कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।